जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं गूगल प्लस कोड के बारे में। क्या आखिर क्या होता है गूगल प्लस कोड, क्यों बनाया गया है, गूगल मैप अब किस प्रकार से काम करेगा व गूगल प्लस कोड के फायदे क्या क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर गूगल प्लस कोड होता क्या है। नॉर्मली अभी तक आपको जब कहीं भी ऑनलाइन फॉर्म भरते थे या कहीं भी कुछ ऐसा कुछ भरते थे या कोई डॉक्यूमेंट बनवाते थे या अपना एड्रेस लिखने की जब बारी आती थी तो ऑफलाइन एड्रेस आप सभी लिखते थे, जिसमें होता क्या था, आप अपने जिले का नाम, तहसील का नाम, अपने गांव का नाम, अपने मजरे का नाम, या अगर आप शहर से निवास कर रहे हैं तो अपने टाउन का नाम, अपने सिटी का नाम, अपने कस्बे वगैरह वगैरह के नाम आप लिखते थे। साथ ही में आप एक पिन कोड देते थे जो कि आपकी पोस्टल कोड होता था, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता था, जिसके थ्रू आपको अगर कोई पोस्ट ऑफिस से अगर कार्ड वगैरह भिजवाना होता था तो उसी के थ्रू आता था। तो ये होता था आपका ऑफलाइन एड्रेस, है ना। तो अगर बात किया जाए गूगल प्लस कोड की तो ये होगा आपका ऑनलाइन एड्रेस। क्या होगा, ऑनलाइन एड्रेस आपका होगा, मतलब ये 6 या 7 अंकों का एक कोड होगा जो आपका ऑनलाइन एड्रेस होगा, मतलब पर्टिकुलर आपके घर के लिए एक ऑनलाइन 6 या 7 नंबर में एक कोड होगा जो आपके घर का एड्रेस होगा, जिसे ऑनलाइन एड्रेस मान्यता दी जाएगी। 6-7 नंबर का एक ऐसा कोड होगा जिसे आप जो ही गूगल पे सर्च करेंगे तुरंत वह जो है आपके गूगल आपको जो है सीधा गूगल मैप पे ले जाके जिस भी घर का वह गूगल प्लस कोड होगा उस घर को वह पॉइंट आउट कर देगा। बात समझ पा रहे हैं, मतलब ये 6-7 अंकों का एक ऐसा कोड होने वाला है जिसमें क्या होगा कि जो ही आप उसे गूगल पे सर्च करेंगे या गूगल मैप पर सर्च करेंगे तुरंत ही वह पर्टिकुलर जिस भी घर का वह गूगल प्लस कोड होगा उसी घर को पॉइंट आउट कर देगा। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है अभी आप समझते हैं। जो भी ऑनलाइन सर्विसेस हैं जैसे कि एम्बुलेंस सुविधा, पुलिस सेवा जो घर घर पहुंचती हैं, डिलीवरी सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम हैं, मतलब डिलीवरी कंपनियां जो आती रही डिलीवरी काम वगैरह, ये सब आपसे सिर्फ एक ही बात पूछेंगी कि आपका गूगल प्लस कोड क्या है। बस आपके एड्रेस प्रूफ में आपका गूगल प्लस कोड ही इंपॉर्टेंट होगा आने वाले समय में। और मतलब ये आपका ऑफलाइन एड्रेस कहीं चला थोड़ी जाएगा, ये भी डाला जाएगा, लेकिन गूगल प्लस कोड अगर आप किसी को बताते हैं तो वो एग्जैक्ट आपके घर तक का लोकेशन उसके पास साझा हो जाता है। अब आप कहेंगे सर लो इससे क्या फायदा हुआ, वैसे भी तो हम अपनी लोकेशन कहीं शेयर कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सर, आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी सिर्फ तब। आप समझ पाए बात को, मतलब आप अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं लेकिन सिर्फ तब जब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तब। दूसरी चीज, सपोज कीजिए आप शेयर कर सकते हैं ना, आपके माता पिता को कोई सामान मंगाना हो, छोटा वाला उनके पास फोन है, फोन किया हाँ भैया मेरे घर ले आओ, बोले सर अपना लोकेशन भेजिए। अब उनको लोकेशन नहीं पता है, उनके पास छोटा वाला फोन है, कैसे भेजेंगे। तो ये जो सिस्टम बना है ये 2 कंडीशन में, यानी कि ऑफलाइन वर्क करने वाला है, दूसरे कंडीशन में जिसके पास स्मार्टफोन ना हो या कहीं अचानक मुश्किल में फंसे हो उन्हें अगर अपना गूगल प्लस कोड पता है तो सीधा गूगल प्लस कोड बताएं, उसके जरिए सीधा आपके घर में पॉइंट आउट हो जाएगा और आपकी लोकेशन जो है अगले के साथ साझा हो जाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है, आशा करता हूं ये भी बात आप समझ गए होंगे। तो अब आपके मन में एक डाउट होगा कि आखिर कैसे जनरेट किया जाएगा। तो गूगल मैप को बड़े बड़े स्क्वायर शेप के बॉक्स में बनाया जाएगा, जिस एक स्क्वायर में 9 स्क्वायर होंगे, उन 9 स्क्वायर में फिर 9 स्क्वायर होंगे, उन 9 स्क्वायर में फिर 9, मतलब 3 कैटेगरी ऐसी, बड़ा सा स्क्वायर पहले फिर उसमें 9 स्क्वायर ऐसे ऐसे करके, ठीक, फिर एक स्क्वायर में उसमें भी ऐसे 9 स्क्वायर, इस प्रकार से बनाया जाएगा। प्रत्येक एरिया कोड उसमें सबसे पहले, जैसे आप समझिए कि आप अगर आपकी पहचान पूछी जाए, एड्रेस पूछा जाए, पहले आप अपने स्टेट का नाम, फिर उसके बाद में जिले का नाम, फिर जिले से जिस आप उसमें पोस्ट ऑफिस में जिस भी मतलब प्रकार से आते हैं ऐसे कैटेगरी में आप भी एड्रेस बताते हैं ना, पहले पूरा स्टेट फिर जिला फिर उससे छोटा, वैसे ही ये गूगल प्लस कोड जनरेट किया जाएगा। कैसे, पहले एक बड़ा सा स्क्वायर कि आप इस स्क्वायर के एरिया में आते हैं, ठीक है, उसके बाद में उसमें भी एक स्क्वायर,
उस एरिया में आप आते हैं, फिर उसमें भी 9 स्क्वायर है छोटे छोटे, तो उस पर्टिकुलर एरिया के इसी दायरे में आप हैं ऐसा। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि गूगल सबका डाटा मांगेगा कैसे, इसको किया जाएगा, तो इसके लिए ऐसा होगा कि एक बार आप अपना जो है लाइव लोकेशन ऑन कीजिए, गूगल मैप ऑन कीजिए। गूगल मैप जब आप ऑन करेंगे, आप अपने घर को जब पॉइंट आउट करेंगे, जिस जगह आपका घर होगा जब आप उसे पॉइंट आउट करेंगे, चाहे आप सेटेलाइट व्यू में चाहे जिस व्यू में आप अगर उसके पॉइंट आउट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर हाउस के लिए आपके एक गूगल प्लस कोड ऑटोमेटिक उसमें जनरेट दिखाएगा। आप उसे नोट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक गूगल सेव कर लेगा, आप उसे नोट कर सकते हैं, इन फ्यूचर वो काम होगा। मतलब गूगल प्लस कोड जनरेट करने का एक ही तरीका है कि आप अपना गूगल मैप खोलिए, उसमें आप अपने घर को पॉइंट आउट कीजिए, इसे जब लोकेशन ऑन करके पॉइंट कीजिए जहां आपका घर हो, चाहे सैटेलाइट व्यू में आप सर्च करके कर सकते हैं, चाहे जिस व्यू में। जब आप अपने घर को पॉइंट आउट करेंगे तो ऑटोमेटिक गूगल मैप जो है आपका गूगल प्लस कोड जनरेट कर देगा, जिसे आप नोट कर सकते हैं, कभी भी इन फ्यूचर किसी को बता सकते हैं, डायरेक्टली वो आपके घर को पॉइंट आउट कर देगा। अब हम बात करेंगे कि गूगल प्लस कोड की विशेषता क्या है। मैंने बताया ना कि डिलीवरी सिस्टम में बहुत हेल्पफुल होगा, पुलिस सिस्टम में, मतलब जितने भी ऐसे पॉइंट मतलब वर्क हैं जहां पे कहीं किसी व्यक्ति को जाना हो, उसकी लोकेशन वाला जो सिस्टम होता था वो गूगल प्लस कोड अब करेगा। दो इसमें बेनिफिट है कि ये ऑफलाइन मोड में भी वर्क करेगा, और उसके बाद में छोटे फोन से या छोटे स्मार्टफोन द्वारा भी साझा किया जा सकेगा, ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। आप अपने गूगल मैप में जितने जो है गूगल प्लस कोड चाहें सेव कर सकते हैं। ये इंडिया में लॉन्च होने वाला सबसे नया अपडेट है गूगल प्लस कोड। ये एक अच्छा अपडेट था, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन कि वह कौन सा ऐसा शहर है, शहर या महानगर कहिए, जो अब अपना 3D मैप बनाने जा रहा है, गूगल मैप जिसका 3D मैप दिखाई पड़ेगा। मतलब जैसे आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ेगी, ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची, मतलब 3D व्यू पूरा किसी भी मैप का, जैसे आप अभी तक 2D व्यू देखते हैं किसी भी मैप में, गूगल मैप में 2D व्यू देखते हैं, सिर्फ 2 डायमेंशन, उसकी हाइट आपको नहीं दिखाई पड़ती है। तो हाइट सपोज कीजिए कैसा कैसा होगा, हाइट भी दिखाई पड़ने लगे, तो ऐसा भी मुंबई में होने जा रहा है, क्योंकि ड्रोन डिलीवरी सिस्टम, ड्रोन टैक्सी वगैरह ये बहुत ही तगड़े से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, सभी देश लगभग इस पर वर्क कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है। तो जितने जल्दी होगा ड्रोन डिलीवरी सिस्टम और ड्रोन के चलने के लिए 3D मैप बहुत ही इसेंशियल और एलिमेंटल वर्क हो जाएगा। बनाया किस कैसे जाएगा, वहां से अल्ट्रा वायलेट रेज या कुछ कोई रेज छोड़ी जाएंगी जो यहाँ पे जो है हाइट वगैरह डिस्टेंस नाप ले लेंगी, अल्टीमीटर से डिस्टेंस नापी जाएगी, जिसके थ्रू मैप जनरेट किया जाएगा। उसका अलग सिस्टम है, वो लोग बनाएंगे, मुझसे उससे क्या मतलब है। मतलब मैंने सिर्फ इतना बताया कि 3D मैप मुंबई का होने जा रहा है। गूगल प्लस कोड आपका ऑनलाइन एड्रेस होगा जो ऑफलाइन भी वर्क करेगा। मतलब एक बहुत ही अच्छा सिस्टम था, नया अपडेट था, इसलिए मैंने सोचा आप सभी को बताया जाए। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।